हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। तो न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो चलिए न्यूज़ अपडेट। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ है यहाँ पर, वो है वोडाफोन की तरफ से। तो वोडाफोन ऑक्शन करने जा रहा है दुनिया का पहला जो SMS भेजा गया था, जिसमें लिखा था सिर्फ मैरी क्रिसमस। तो ये SMS वो ऑक्शन करने जा रहे हैं एज एन NFT। तो उसकी NFT बनाकर उसको ऑक्शन किया जाएगा और पेमेंट जो है वो इथेरियम के मोड में ही ली जाएगी। और ये जो ऑक्शन है वो 21 दिसंबर को होने वाली है। ऑक्शन हाउस जो फ्रांस का है वहां पर होने वाली। और ये जो पहला मैसेज भेजा गया था ये 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया था। और उसके बाद एक्चुअल में यहाँ पर ये जो पूरा SMS की जो फंक्शनैलिटी थी या फीचर था वो मोबाइल की दुनिया में आया था। तो वो अब इसको NFT में सेल आउट करके जो भी उनको अमाउंट मिलेगी वो इसको डोनेट करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन के रिफ्यूजीज को। दैट मींस उस ऑर्गेनाइजेशन को जो कि रिफ्यूजीज के ऊपर पैसे लगाएगी। दैट मींस कि रिफ्यूजीज की हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये जो स्टेप है वो वोडाफोन ने उठाया है कि वो अपनी एक NFT जो है वो बनाकर बेचेंगे। तो अब इससे आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है इसमें? तो इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि वोडाफोन भी अब NFT की मार्केट प्लेस में आने के लिए अपने जो स्टेप्स है वो धीरे धीरे ले रहा है। दैट मींस कि NFT की जो मार्केट है, जो इकोसिस्टम है, वो और ज्यादा ग्रो होने वाला है। जैसे ही अगर एक यहाँ पर हम अगर देखें कि भाई एक जो मोबाइल ऑपरेटर है वो अगर यहाँ पर आता है तो ऑब्वियसली उसके बाद बाकी के जितने भी बड़े बड़े मोबाइल मार्केट में वेंडर्स जो बैठे हुए हैं, जो ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं, वो भी इस मार्केट में आएंगे और अपना जो इकोसिस्टम है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। अगली न्यूज़ यहाँ पर, बिटकॉइन के ऊपर एक बुक पब्लिशिंग की बात हो रही थी जो कि एजुकेट करने के लिए US के जितने भी कांग्रेसमैन हैं, सेनेटर्स हैं, उनको। तो वो एक आप कह सकते हैं कि किकस्टार्टर एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ऐसी चीज़ें बनाने के लिए फंडिंग मांगी जाती है। तो ये बुक को लिखने के लिए एक फंडिंग का जो राउंड था वो लगाया गया किकस्टार्टर के ऊपर। उन्होंने जितनी भी अमाउंट वहाँ पर उन्होंने अपनी मांगी थी, तो जो मिनिमम प्लेज थी, और अगर बात करें टोटल कितना वो प्लेज जो था, जो किकस्टार्टर के ऊपर जो प्रोजेक्ट था उसको कितनी अमाउंट मिल चुकी है, तो उसको ऑलरेडी $23,276 जो है वो मिल चुके हैं। उन्होंने बोला था कि भाई हमें 5,000 चाहिए, लेकिन उनको 5,000 की बजाय $23,276 ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हो सकता है ये अमाउंट अब एट प्रेजेंट और ज्यादा बढ़ चुकी हो, क्योंकि उसमें और भी जो फंडिंग है वो राउंड तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसको उन्होंने सेट डाउन किया है कि भाई इतनी देर तक हम फंडिंग ले रहे हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जितने भी US के जितने भी सिटीजन हैं वो ये चाहते हैं कि भाई US के जितने भी कांग्रेसमैन हैं उनको अच्छे से एजुकेट किया जाए कि भाई क्रिप्टो है क्या, सो दैट कि उसके ऊपर जितनी भी अटकलें लग रही हैं या जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल आया है, ये सारी चीजें पहले वो अच्छे से जाने कि वो करना क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं, सो दैट कि इनको भी बेनिफिट मिले, US के सिटीजन जो है उनको भी बेनिफिट मिले कि रेगुलेशंस जो है वो प्रॉपर तरीके से आए, और उसी के साथ साथ क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम है उसको भी बेनिफिट मिले और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिल जाए अगर वो सही तरीके से अपनी रेगुलेशंस बनाते हैं तो। अगली न्यूज कार्डानो के लिए। कार्डानो जो एक पेमेंट नेटवर्क है फ्लेक्सा, उनका प्लेटफॉर्म ऑलरेडी सेटअप है, वो बिल्कुल सही तरीके से अपना सेटअप जो है वो करते हैं। ऑलरेडी उनके 40,000 लोकेशंस के ऊपर फ्लेक्सा की जो पेमेंट्स हैं वो चल रही हैं। तो इससे पहले फ्लेक्सा ने एडा को अपने उसमें क्रिप्टो करेंसीज की पेमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया था, तो वो मेजर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हीं के साथ ही चल रहे थे, बिटकॉइन, इथेरियम, बिटकॉइन कैश और GUSD, जर्मनी डॉलर। तो अब उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है और उन्होंने बोला है कि वो एडा को भी अपने क्रिप्टो के इकोसिस्टम में लेने जा रहे हैं, इंक्लूड करने जा रहे हैं, सो दैट कि अब जितने भी एडा के सपोर्टर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, वो पेमेंट्स कर सकते हैं 40,000 लोकेशंस के ऊपर अक्रॉस US, जहां पर भी यहां पर फ्लेक्सा का इकोसिस्टम जो है वो काम कर रहा है, वहां पर वो पेमेंट कर सकते हैं कार्डानो एडा के थ्रू भी। तो दैट मीन्स अब वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडा को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ पेमेंट। तो ये एडा के लिए काफी बड़ा यहाँ पर अगर हम बोलें तो एक बेंचमार्क हो जाएगा कि भाई आप एक
ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, ऑलरेडी अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है यहाँ पर पेमेंट्स के लिए, तो उसके ऊपर एडा जो है वो ज्वाइन हो रहा है और इससे एक काफी बढ़िया जो सपोर्ट है वो एडा को मिल सकती है और एडा आने वाले टाइम पर अगले साल या एट प्रेजेंट इस साल भी वो आगे चलकर इससे बेनिफिट ले सकता है। और इसके साथ साथ फ्लेक्सा ने एक और जो ऑप्शन दिया है वो ये दिया है कि भाई जो मेरे ख्याल से दिसंबर मंथ तक के लिए उन्होंने एक अलग से फीचर भी दिया है कि भाई अगर आप दिसंबर मंथ में ही अपनी पेमेंट जो है वो एडा के साथ कर रहे हैं तो उससे भी आपको थोड़ा बहुत 20% के अराउंड जो एक डिस्काउंट है वो मिलेगा अगर आप ये करते हैं रीगल मूवीज के ऊपर, अगर एडा के थ्रू आप स्पेंड करते हैं। तो ये काफी चीजें वो कर रहे हैं सो दैट कि आने वाले टाइम पर उनका भी प्लेटफॉर्म बढ़े और एडा की जो सपोर्ट है वो भी उनको मिल जाए। अगली न्यूज यहाँ पर पोल्काडॉट कह रहा है कि भाई हम वेब थ्री में जो एक बूम लेकर आने वाले हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने एट प्रेजेंट सिर्फ 5 ही अपनी जो पैराचेन्स हैं उनकी ऑक्शन करी है और वो जो प्रोजेक्ट्स पैराचेन के ऊपर यहाँ पर अप्रूव हुए हैं या ये कहें कि जो जीते हैं वो है अकाला, मूनबीम, पैरलर फाइनेंस, एस्टर और क्लोवर। अब उनका जो एक मोटिव है या ये कहें कि उनका जो एक विजन है, उनके विजन में उन्होंने ये बताया है कि भाई हम ये 5 पैराचेन ऑक्शन जो हमने किए हैं ये अब 5 से बढ़कर हमने 100 पैराचेन ऑक्शंस करनी है। इन टोटल हमने 100 पैराचेन जो हैं वो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर उनको रखना है जो पैरेलली चलेंगी पोलका डॉट के साथ। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर ऐसा होता है, और उसमें थोड़ा टाइम नो डाउट लगेगा, लेकिन हमने इसके लिए ऑलरेडी काम कर लिया हुआ है, 5 साल हम इस पे ऑलरेडी डेवलपमेंट कर चुके हैं और अब हम कैपेबल हैं कि हम 100 पैराचेन्स को अपने साथ चला सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे अब वो और ऑप्शंस करेंगे और पूरी 100 जो पैरा जो अपना ये कह सकते हैं आप पैराचेन्स जो हैं वो उनको ऑक्शन करेंगे। और अब अगर बात करें इन 5 पैराचेन्स की जो ऑक्शन हो चुकी हैं, जो विन हो चुकी हैं, तो इन 5ों प्लेटफॉर्म्स ने करीब $2.4 बिलियन जो हैं वो एसेट लॉक किए हैं स्टेकिंग में, जिसके चलते ये 5ों ही जीते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है, इकोसिस्टम को इतनी अमाउंट अगर स्टेक में मिलती है दैट मीन्स उतनी देर के लिए जो प्लेटफॉर्म है जो पोलका डॉट का जो प्लेटफॉर्म है वो इस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकता है, इस अमाउंट को यूटिलाइज करके वो अपने एक्सपेंशन कर सकता है। तो आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली उनको $2.4 बिलियन की फंडिंग मिल गई है जिसको वो अपनी डेवलपमेंट में लगाकर अपने इकोसिस्टम को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट पोलका डॉट भी काफी हाइप में है। बाइनेंस यूएस की बात करें तो वो कंप्लायंस के चलते काफी उनके ऊपर क्वेश्चंस भी उठते रहे और उन्होंने अपना भी यहाँ पर रखा है मत कि भाई हम जो रेगुलेशंस हैं उनको जल्दी से अडॉप्ट करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं लगातार। तो इसी प्रोसेस में उन्होंने अब इंटेल का जो इंटेल एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कंप्लायंस के लिए काफी फेमस है, तो उन्होंने इंटेल के एक टॉप कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव को अपना चीफ रिस्क ऑफिसर बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। तो उनके अकॉर्डिंगली उसको हायर कर लिया है और उस बंदे ने भी ट्वीट करके बोल दिया कि भाई मैं भी पूरी तरीके से जुटा हुआ हूँ और बाइनेंस को एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लेकर आकर उसके बाद हम अपना जो पूरा एक्सपेंशन है वो करेंगे। अगली न्यूज यहाँ पर टेरा जो है वो सेकंड बिगेस्ट डीफाई प्लेटफॉर्म बन गया है अगर टोटल एसेट लॉक जो है उसकी बात यहाँ पर की जाए तो। उसने यहाँ पर बाइनेंस की स्मार्ट चेन को भी पीछे छोड़ दिया है। अब टोटल जो है वो $16.6 बिलियन जो है वो इसके ऊपर लॉक हो चुके हैं। दैट मीन्स कि इतनी वैल्यू ऑलरेडी टेरा जो है वो मैनेज कर रहा है और इसी के चलते यहाँ पर टेरा में काफी बड़ी जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिली थी। अगर बात करें पिछले 1-2 दिन में काफी बढ़िया से परफॉर्म किया है टेरा ने और काफी बढ़िया गेन भी किया है। अगली न्यूज की बात करें तो यहाँ पर यूनिस्वैप जो है उसके जितने भी जो यूनिस्वैप के अंदर वोटिंग हुई है कि भाई अगर यूनिस्वैप का जो V3 लॉन्च होने जा रहा है, जो डिप्लॉय होने जा रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म, वो पॉलीगन के ऊपर लॉन्च किया जाए या नहीं किया जाए, तो इसमें वोटिंग में यहाँ पर करीब करीब 72 मिलियन जो वोट्स हैं वो इसके फेवर में आई हैं कि भाई हाँ हमें पॉलीगन के ऊपर जाना चाहिए, और 5 लाख वोट सिर्फ ऐसी थी जिसमें उन्होंने अगेंस्ट में वोट दिया है।
तो अब पॉलीगन का भी ये कहना था कि हमने भी पूरी डेवलपमेंट में इसमें काफी सारा इनपुट जो है वो दिया, हमने अपनी काफी फंडिंग जो थी इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई, क्योंकि हम चाहते थे कि यूनिस्वैप जो इतना बड़ा डेक्स है डीफाई का वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आए। तो ये अब उनके अकॉर्डिंगली उनकी भी एक काफी बड़ी विक्ट्री है। और वहीं अगर यूनिस्वैप की बात करी जाए तो यूनिस्वैप भी कह रहा है कि भाई इथेरियम के ऊपर काफी सारे लैगिंग्स थी, काफी सारी फीस की अगर हम बात करें ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा थी, और उसी के साथ साथ डाउन टाइम भी एक दो बार उनको देखने को मिला था। तो वो कह रहे हैं कि भाई इसके चलते हम इसी वजह से ही पॉलीगन के ऊपर आना चाहते हैं। तो पॉलीगन के लिए भी ये एक काफी बड़ी अचीवमेंट है। अगली न्यूज की बात करें तो बाइनेंस की जो सीईओ है, हमने भी आपसे ये न्यूज कवर करी थी कि सिंगापुर का अपना जितना भी वो काम जाम है बाइनेंस एसजी का, वो उसको बंद कर रहे हैं। तो इसके चलते मार्केट में एक फेक न्यूज यहां पर आ गई थी कि बाइनेंस इसलिए जा रही है क्योंकि सिंगापुर जो है वो फेवर नहीं कर रहा है क्रिप्टो का। लेकिन यहाँ पर बाइनेंस के सीईओ ने आकर इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि भाई हमने इस वजह से बंद किया क्योंकि हमने एचजीएक्स में भी अपना जो पैसा था वो इन्वेस्ट कर दिया, तो अब दो एंटिटीज को चलाने का क्या बेनिफिट, इसलिए हमने एक एंटिटी को यहाँ पर स्क्रैप डाउन करने का प्लान आउट किया है और उसके बाद हम एचजीएक्स में ही अपना बेटर वे से काम करेंगे और उसी को ही आगे लेकर चलेंगे। दूसरी जो बात उन्होंने कही थी कि भाई हम बाइनेंस एसजी के ऊपर सिर्फ 8-10 क्रिप्टो करेंसीज को ही दे रहे थे, लेकिन इन रियलिटी आपको पता है कितनी सारी अवेलेबल है और उन सारी की सपोर्ट हम एचजीएक्स में करने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि जितने भी सिंगापुर के यूजर्स हैं वो एक बढ़िया तरीके से क्रिप्टो करेंसीज का जो इकोसिस्टम है उसमें आ सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।